क्या आरक्षण के खिलाफ बोलने को हेट स्पीच में अब इनपुट किया जाना चाहिए कि ये समाज में कटुता फैला रहा है। मंडल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अगर देखा जाए तो ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स इन दिनों हमको नजर आते हैं ना, वो सभी उसी व्यवस्था की उपज है जो इन्होंने अभी खड़ी कर दी है। एक तरह से ये वो सारे लोग हैं जो शोषक वर्ग है या शासक वर्ग है, ये वही वर्ग है जिन्होंने पूरी व्यवस्था को मटिया मेट कर दिया है, आपके तमाम अवसरों को छीन लिया है और आपको उस गर्त में ढकेल दिया है जहां पर आप अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो तमाम माहौल आपके लिए वो बना दिया उन्होंने, और डिप्रेशन में जब आप चले गए तब यही लोग जो है आकर आपका मोटिवेशन करते हैं और कहते हैं कि हम आपको इस जगह से निकालेंगे, यहाँ से उबारेंगे, आपको ज़िंदगी की नई राहें दिखाएंगे। ये लोग आजकल आपस में झगड़ रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे के वो तमाम जो ड्रॉबैक्स हैं वो बता रहा है तो दूसरा उसकी खूब उखाड़ पछाड़ कर रहा है। तो अब आप एक तरह से देख पा रहे हैं कि ये जो शासक वर्ग है, ये जो शोषक वर्ग है, ये अब आपस में लड़ने लगा है। ये वही जातियां हैं जिन्होंने सदियों से आप पर शासन किया है, आपका शोषण किया है, और यही लोग उस व्यवस्था को जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं उसका ये बखान कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और एक तरह से आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं। आपके मोटिवेशन के लिए बुद्ध से बड़ा और क्या हो सकता है? आपका मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से या उन तमाम विचारकों से, चाहे वो संत महात्मा, जितने भी संत महात्मा हमारे इस देश में हुए हैं, जिन लोगों ने समाज सुधार का काम किया है, चाहे वो महात्मा फुले हों, चाहे फिर वो तमाम वो लोग, चाहे वो पेरियार हों, बहुत सारे लोग, कबीर से, आप वहाँ से प्रेरित क्यों नहीं होते हैं? तो आपकी प्रेरणा के लिए तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को सुधारने के लिए बहुत काम किया है और वो बताते भी हैं कि किस तरह से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। बुद्ध से बड़ा कौन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है? तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है क्यों? ये तो वही लोग हैं जिन्होंने आपका शोषण किया है, आपकी हालत ख़राब की है और अब आपको उस जगह से उबारने के लिए, उस हालत से उबारने के लिए वो कहते हैं कि वो आपका मोटिवेशन करेंगे। तो ये मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल अपनी दुकान चला रहे हैं। ये इन्होंने पहले आपको ग्राहक बनाया, उस स्थिति में लाया, यानी कि पहले आपको बीमार किया और अब उस बीमारी से बचाने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के नाम पर एक बार फिर आपसे ये पैसों की उगाही कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा हो चाहे माहेश्वरी हो, ये दोनों आजकल आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे की जो है तमाम वो ड्रॉबैक्स हैं, तमाम वो चीज़ें हैं, कौन किस तरह से किस गलत तरीके से पैसे कमा रहा है वो आपको बता रहे हैं। और हमको भी ये समझना होगा कि हम इनके चक्कर में आखिर क्यों पड़ रहे हैं, हम उस व्यवस्था को क्यों नहीं बदलना चाह रहे हैं जिस व्यवस्था ने हमें इस गर्त में, यानी कि हमको इस डिप्रेशन में पहुंचा दिया है। तो हमको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो डॉक्टर अंबेडकर देते हैं, वो मोटिवेशन जो है आपको माननीय कांशीराम देते हैं। तो उस व्यवस्था की तरफ क्यों ना बढ़ें, उस तरीके से क्यों ना बढ़ें कि ताकि वो स्थिति ही खत्म हो जाए जिससे हम डिप्रेशन में जाने की स्थिति से बच सके। तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है, दरअसल हमें खुद जागरूक होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से दिलीप मंडल साहब ने कहा है वो सारी बात आपको, पूरी बात जो है आपको हम सुनाएंगे, क्या क्या उन्होंने कहा है, किस तरह से बोला है कि इन लोगों को निश्चित रूप से जेल होनी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग आरक्षण पर इस तरह से गलत टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आरक्षण जो है वो एक संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान भारत का है जिसे सर्वमान्य तरीके से संसद में लागू किया गया है और जिस पर पूरा देश चलता है, उसकी अगर कोई खिलाफत करता है तो निश्चित रूप से उसे हेट स्पीच के तहत जो है उसको अंदर किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विवेक बिंद्रा ने न सिर्फ आरक्षण पर चोट की बल्कि उसने ये भी कहा कि निचली जाति के लोगों को नेता नहीं बनना चाहिए, उनमें नेतृत्व का गुण नहीं होता है, सिर्फ ऊपरी जो ब्राह्मण जाति है उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है।
ये एक बड़ा सवाल है कि जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि वो तो जी बहुत गुण कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था, बाद में ये पतित हो गया, तो किसने पतित कर दिया और इस पतन का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? मतलब अगर गुण कर्म के विभाग से कोई सिस्टम होता था, पहले सारे लोग जब 10 या 12 साल के हो जाते थे तब एक पूरे देश में परीक्षा होती थी, उसके बाद सबको अपनी अपनी जाति अलॉट की जाती थी, अगर ये एक सिस्टम था मान भी लेते हैं, या 18 साल का होने के बाद सारे लोगों की परीक्षाएं होती थी और अलग अलग जातियां अलॉट की जाती थी गुण और कर्म के हिसाब से, अगर ये सिस्टम था भी तो ये सिस्टम बदल कैसे गया और इस बदलने के बाद किसने खुद को सबसे ऊपर रख लिया? फिर तो कास्ट सिस्टम का दोषी उसी को मानना पड़ेगा ना। ये तो हो नहीं सकता है कि दलितों ने कास्ट सिस्टम बनाया और खुद को कास्ट सिस्टम से बाहर रख लिया, बाह्य बन गए, पंचम बन गए, अछूत बन गए, या शूद्रों ने, पशुपालकों ने, किसानों ने जाति सिस्टम बनाया और खुद को तीसरे पोजीशन पर रख लिया, या इवन क्षत्रिय लोग क्यों खुद को अगर कास्ट सिस्टम बनाएंगे तो सेकंड पोजीशन में अपने आप को रखेंगे? कास्ट तो हायरार्की का सिस्टम है ना, ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम है, तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी में नीचे प्लेस होने वाले व्यक्ति जाति नहीं बनाते, उसको बनाया फिर ऊपर से ही किसी ने। तो इस वजह से मुझे लगता है कि गौरव बिंद्रा जो है, या जो भी उनका नाम है, सौरभ या गौरव जो भी है, वो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। वो शास्त्रों का नाम लेकर एक पुराने सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं, वो अपनी प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस वजह से वो इस तरह की गलत बात कर रहे हैं। अब के समय में संभव नहीं, सोशल मीडिया का टाइम, हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी चर्चा कर रहा है, चीज़ों को समझता है, बात करता है, कैसे संभव है कि बिंद्रा की बात लोग मान लेंगे? शूद्र नेता नहीं बन सकता है भारत में, इसका मतलब कि फुले साहू महाराज इन सब का कोई मोल नहीं है, ये शूद्र जातियों से रहे हैं। बाबा साहब ने हुएर शूद्राज में लिखा है कि आधुनिक युग के सबसे महान शूद्र ज्योतिबा फुले, क्या उनमें नेतृत्व का गुण नहीं था? उनकी बनाई हुई देखिए कितनी सारी चीजें आज की तारीख में चल रही हैं, स्त्रियों की शिक्षा उन्होंने शुरू कराई, आज की तारीख में सारी स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, क्या उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है उनमें? या क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छे नेता नहीं हो सकते? कामराज नाडर ने मिड डे मील शुरू कराई, आज सारा देश इस मिड डे मील चला रहा है। करुणानिधि को देखिए, पूरे देश में सबसे औद्योगिक राज्य उन्होंने बना दिया तमिलनाडु को, कोई क्या उनमें गुण नहीं है? शरद पवार शुद्ध जाति के, देखिए आप पूरे किस तरह से शुगर इकोनॉमी उन्होंने खड़ी कर दी महाराष्ट्र में, और कोऑपरेटिव सिस्टम, और किस तरह से पुणे और बारामती से लेकर आसपास के इलाके का डेवलपमेंट देखिए, उनमें गुण नहीं है का क्या मतलब है? या इवन नरेंद्र मोदी, क्या मतलब नेतृत्व क्षमता नहीं है? उनकी पॉलिसी से बहुत विरोध हो सकता है, बहुत सारी पॉलिसियां उनकी गलत हैं भी, खास करके सांप्रदायिक मामलों में बीजेपी की कड़ी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन क्या उनमें नेतृत्व गुण नहीं है? बिंद्रा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बकवास है ये बंद होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आरक्षण के खिलाफ बोलने को हेट स्पीच में अब इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज में कटुता फैला रहा है। आरक्षण को लेकर अगर राष्ट्रीय सहमति है, संविधान में इस पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है, संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था, आम राय से 16-4 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि शिक्षा और नौकरियों वगैरह में आरक्षण के प्रावधान आए हैं जो वहीं से निकले हैं, और इसमें जो भी पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, अंडररिप्रेजेंटेड हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर एक आम सहमति है, कोई दल इसका विरोध नहीं करता है, पूरी संसद इस पर एक मत है। ऐसे समय में कुछ लोग अगर आरक्षण को लेकर नफरत फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं नितिन मेश्राम साहब, उनका ये आर्गूमेंट बिल्कुल सही है और उनके राय से मैं सहमत हूँ कि आरक्षण के खिलाफ जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उसको हेट स्पीच में इंक्लूड करके कार्रवाई होनी चाहिए और बिंद्रा को निश्चित रूप से हेट स्पीच के तहत उन पर केस करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी इस समय मेरे ख्याल से सख्त जरूरत है। आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों इस प्रकार के गलत टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में फंसे हुए हैं।